हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और आज हम कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ऑब्टेन श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल रिजिड बॉक्स, सॉल्व इट एंड देन ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। तो क्या किया हमने, थ्री डायमेंशनल बॉक्स ले रहे हैं। थ्री डायमेंशनल बॉक्स का मतलब है कि एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में उसकी लेंथ जो है हम कंसीडर कर लेते हैं कि एल 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 है, ठीक है, क्यूब कंसीडर कर लेते हैं बेसिकली। और उसमें क्या करेंगे, पार्टिकल को कन्फाइंड करेंगे और फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे हमने वन डायमेंशनल बॉक्स में केस कंसीडर किया था, सेम वैसा ही हम थ्री डायमेंशनल में कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या कंसीडर कर रहे हैं, हमने वन डायमेंशनल में कहा था कि पार्टिकल या बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल है जीरो है, और वॉल पे और वॉल से बाहर जो पोटेंशियल है इनफाइनाइट है। सेम ऐसा ही यहाँ पर है, क्यूब के अंदर पोटेंशियल जीरो है और क्यूब के बाहर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है। साथ में हमने वहाँ पे रिलेटिविस्टिक कंसिडरेशन को इग्नोर किया था, वेलोसिटी को स्मॉल लिया था। सेम ऐसा ही हम यहाँ कर रहे हैं, वेलोसिटी को स्मॉल ले रहे हैं और रिलेटिविस्टिक कंसिडरेशन को इग्नोर कर रहे हैं। साथ में जो कोलिजन है वॉल्स के साथ पार्टिकल का, वो इलास्टिक कोलिजन ले रहे हैं, जिससे एनर्जी का लॉस है या जो बाउंस बैक हो रहा है वो कोई एनर्जी का लॉस नहीं कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन थ्री डायमेंशनल रिजिड बॉक्स ऑफ लेंथ एल। श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर दिस पार्टिकल मे बी रिटन एज डेल स्क्वेयर शाई प्लस टू एम एच क्रॉस स्क्वेयर ई माइनस बी शाई इक्वल टू जीरो। तो ये थ्री डायमेंशनल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन है। इस श्रोडिंगर इक्वेशन को अपने केस के लिए रिड्यूस कर देंगे। तो वन डायमेंशनल में हमने सिर्फ डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर लिया था, क्योंकि तीनों डायमेंशन है तो तीनों डायमेंशन के रिस्पेक्ट में हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन रहेगा। तो डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शाई इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल बॉक्स के अंदर जो है जीरो है, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को जब बॉक्स के अंदर लिखेंगे तो वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई एम एच स्क्वायर ई शाई इक्वल टू जीरो। ई वी जीरो हो गया बॉक्स के अंदर, इक्वेशन वन। हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कंसीडर कर लेंगे। सॉल्यूशन में हमने क्या किया, शाई फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो शाई एक्स एक्स शाई वाई वाई शेड शाई वाई जेड। तो इसको टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में और एक बार जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और फिर उन इक्वेशन से हम सॉल्व करके यहाँ पे सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो वेयर शाई शोज दैट शाई एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, शाई वाई इज ओनली अ फंक्शन ऑफ वाई ओनली एंड शाई जेड इज ओनली फंक्शन ऑफ जेड ओनली। तो ये एक्स वाई जेड के फंक्शन है और तीनों को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स, फिर वाई के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स और जेड के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स इस इक्वेशन को। तो क्या किया, पार्शल डिफ्रेंशिएशन लिया शाई का, तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में लिया। एक चीज याद रखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर हमने एक्स वाई जेड लिया है तो बार बार अब हम नहीं लिखेंगे। शाई मतलब है ये एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, और जब सफिक्स में हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड लिया है तो वो सिर्फ एक्स का या वाई का या जेड का फंक्शन है। तो अभी हमने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया, तो डेल शाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू शाई वाई, शाई जेड कॉन्स्टेंट रहेंगे और डेल शाई एक्स ओवर डेल एक्स। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, वाई और जेड फिर कॉन्स्टेंट रहेंगे, डेल स्क्वायर शाई एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, सिमिलरली जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आप खुद सोच सकते हो, जब एक्स का रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया था तो एक्स आया, जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट रहेंगे वाई आएगा, और जब हम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड आएगा और एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाएंगे। अगेन डेल स्क्वायर वाई डेल शाई ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू शाई एक्स शाई जेड इक्वल टू डेल स्क्वायर शाई वाई ओवर डेल ओवर डेल बाई स्क्वायर। सिमिलरली जेड के लिए हमने किया, जेड का आ जाएगा हमारे पास जो फंक्शन है डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू शाई एक्स शाई वाई डेल स्क्वायर शाई जेड ओवर डेल जेड स्क्वायर। डेल स्क्वायर
शाई ओवर डेल एक्स स्क्वेयर, डेल स्क्वेयर शाई ओवर डेल वाई स्क्वेयर और डेल स्क्वेयर शाई ओवर डेल जेड स्क्वेयर की वैल्यूज को इक्वेशन वन में पुट कर दिया। इक्वेशन वन में पुट किया तो क्या आएगा, शाई वाई शाई जेड डेल स्क्वेयर शाई एक्स डेल एक्स स्क्वेयर प्लस शाई एक्स शाई जेड डेल स्क्वेयर शाई वाई अपॉन शाई वाई स्क्वेयर प्लस शाई एक्स शाई वाई डेल स्क्वेयर शाई जेड ओवर डेल जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम एच स्क्वेयर ई और शाई की जगह शाई एक्स शाई वाई शाई जेड इक्वल टू 0। क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को शाई एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ऑन डिवाइडिंग बाय शाई एक्स शाई वाई शाई जेड तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी 1 अपॉन शाई एक्स डेल स्क्वेयर शाई एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन शाई वाई डेल स्क्वेयर शाई वाई ओवर डेल वाई स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन शाई जेड डेल स्क्वेयर शाई जेड ओवर डेल जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई शाई इक्वल टू 0। इक्वेशन टू हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक साइड को किसी एक वेरिएबल पे रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। जैसे अभी हमने क्या किया, एक्स की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखा और बाकी सारी टर्म्स को हम राइट हैंड साइड ले आए। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एक्स का फंक्शन है, जबकि वाई हमें हमारा वाई और जेड आ रहा है जो कि एक्स का फंक्शन नहीं है, और इधर कोई फंक्शन ही नहीं आ रहा है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। एल एच इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली वाई आर एच एस इज नॉट, सो आर एच एस विल बी कॉन्स्टेंट फॉर एल एच एस। तो जो ये इसको हम कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। लेट 1 अपॉन शाई एक्स डेल स्क्वेयर शाई एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वेयर इक्वेशन 3। हमने इस पूरे को के एक्स मान लिया माइनस में, क्योंकि इधर माइनस में है सारी टर्म्स, इसलिए माइनस में इन पूरे को के एक्स मान लिया, के एक्स स्क्वेयर। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन शाई वाई डेल स्क्वेयर शाई वाई डेल वाई स्क्वेयर इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर। बाकी टर्म इधर आ जाएंगी, माइनस 1 अपॉन शाई जेड डेल स्क्वेयर शाई जेड ओवर डेल जेड स्क्वेयर माइनस 8 पाई स्क्वेयर एम अपॉन एच स्क्वेयर ई। अब यहाँ पे भी क्या है, जो एल एच एस है वो सिर्फ वाई का फंक्शन है, जबकि जो आर एच एस है वो एक्स वाई का फंक्शन नहीं है, तो ये पूरा कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा इसके लिए। तो इसको फिर कांस्टेंट की तरह हम इसको मान लेंगे। तो लेट 1 अपॉन शाई वाई डेल स्क्वेयर शाई वाई ओवर डेल वाई स्क्वेयर माइनस इक्वल टू माइनस के स्क्वेयर। तो इसको हमने माइनस के स्क्वेयर मान लिया, तो माइनस के स्क्वेयर माना, इसकी वैल्यू फिर क्या करेंगे, इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, या कह लीजिए इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारे इक्वेशन 4 से जो ये वैल्यू आई है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे सेम इसकी जगह। तो अब यहाँ पे हम वाई जेड की टर्म्स में इसको लेके आएंगे, तो 1 अपॉन शाई जेड इक्वल टू डेल स्क्वेयर शाई जेड डेल जेड स्क्वेयर इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर माइनस 8 पाई एम एच स्क्वेयर ई। तो इसमें भी सेम वही है, वही कंसेप्ट लिया है कि जो एल एच एस है वो सिर्फ जेड का फंक्शन है, जबकि हमारा ये जो फंक्शन है ये जेड का फंक्शन नहीं है, तो इसके लिए कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। इस पूरे को हम के जेड स्क्वेयर मान लेंगे, तो 1 अपॉन इस पूरे को, ठीक है। तो 1 अपॉन शाई जेड डेल स्क्वेयर शाई जेड ओवर डेल एक्स जेड स्क्वेयर इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वेयर, और इसकी जगह जैसे ही के जेड रखेंगे तो ये वाले पूरे टर्म की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, के एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर प्लस के जेड स्क्वेयर इक्वल टू 8 पाई स्क्वेयर एम एच स्क्वेयर ई, इक्वेशन 6, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास e का फंक्शन आ गया, साथ में ये इक्वेशन 3, 4, 5 हैं, इन सब में आप क्या कर सकते हैं, इन सबको लेफ्ट में लेके आ सकते हैं, जो ये के जेड और के की वैल्यूज हैं। तो अगर इक्वेशन 3 में लेके आते हैं तो क्या बन जाएगा, डेल स्क्वेयर शाई एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वेयर प्लस 8 शाई एक्स के स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी हम वन डायमेंशनल बॉक्स में सॉल्व कर चुके हैं। शाई एक्स इक्वल टू ए एक्स साइन के एक्स प्लस बी एक्स कॉस के एक्स,
और फिर बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशंस क्या थी कि जो वेव फंक्शन है वो x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू एल पे जीरो हो जाता है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो बॉक्स के अंदर है, तो जब बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे तो वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो एक बार x इक्वल टू जीरो रखेंगे, एक बार x इक्वल टू एल रखेंगे और वेव फंक्शन को जीरो करके हम वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेम वैसे ही वेव फंक्शन आएगा जैसा कि वन डायमेंशनल बॉक्स में आया था। तो जब शाई इक्वल टू जीरो रखा एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो बी एक्स जीरो आ गया, बी एक्स जीरो आया। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई एक्स इक्वल टू एल रखने पर। एक्स इक्वल टू एल रखा तो जीरो ए एक्स साइन के एक्स एल इक्वल प्लस जीरो, तो यहाँ से आया या तो ए एक्स जीरो होगा या साइन के एल जीरो होगा। तो जैसा हमने बताया था वन डायमेंशनल बॉक्स में ए एक्स कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज अगर ए एक्स को हम जीरो कंसिडर करते हैं तो वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा, जो कि नहीं पॉसिबल है। पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, हमने इनिशियली कंसिडर माना है, इसलिए साइन के एल शुड बी जीरो। तो साइन के एल जीरो मतलब के एक्स एल इक्वल टू एन एक्स पाई, ठीक है, वेयर एन जो है नंबर है और जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि एन को अगर हम शुरू में ही जीरो कर लेंगे तो पार्टिकल बॉक्स में नहीं होगा, सारा वेव फंक्शन शुरू में ही जीरो हो जाएगा। तो के एक्स इक्वल टू एन एक्स पाई अपॉन एल। तो जिस तरीके से ये के एक्स कैलकुलेट किया उसी तरीके से के वाई के जेड कैलकुलेट करेंगे। तो सेम अगर आप ध्यान हो तो यहाँ से इक्वेशन को देख सकते हैं कि अगर इक्वेशन फोर को हम इक्वेशन जैसे हमने थ्री लिखा इस तरीके से देखते हैं, तो ये बन जाएगा डेल स्क्वेयर शाई वाई अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर प्लस शाई वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो सेम वैसे ही है, सेम वाई वाला। अब जैसा एक्स का सोल्यूशन था वैसा ही वाई का आएगा, तो जैसा ये आया है एक्स की टर्म्स में वैसा ही वाई के टर्म्स में आएगा, ऐसा ही जेड की टर्म्स में आएगा। हमने के एक्स कैलकुलेट किया उसी तरीके से हम के वाई और के जेड कैलकुलेट करेंगे। तो सेम वही आएगा, के वाई बस वाई आ जाएगा सफिक्स में, के वाई इक्वल टू एन वाई पाई अपॉन एल, के जेड इक्वल टू एन जेड पाई अपॉन एल। पहले हम क्या करते हैं, आइगन फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइगन फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए पहले शाई एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें ए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है और बॉक्स के बाहर उसके मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये है कि एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एल के बीच में पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, तो शाई शाई स्टार जो है प्रोबेबिलिटी वन हो जाएगी। तो शाई एक्स क्या किया, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन तो ये होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी शाई शाई स्टार डी एक्स इक्वल टू वन, बट यहाँ पे पार्टिकल क्योंकि बॉक्स के अंदर है तो लिमिट हो जाएगी जीरो से एल, ठीक है। यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो जीरो से एल के बीच में आएगी। तो ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इक्वल टू वन। तो सॉल्व करेंगे, ये हम वन डायमेंशनल बॉक्स में सॉल्व कर चुके हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तो ये इक्वेशन पूरी सॉल्व करनी वहां पे दिखा रखी है। तो सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी अंडर रूट टू बाय एल। जिस तरीके से एक्स आया सेम वैसे ही हमारा ए वाई आएगा, वैसे ही हमारा ए जेड आएगा। तो ए एक्स की वैल्यू आप फंक्शन में रखेंगे तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आ जाएगा शाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट टू बाय एल साइन एन एक्स पाई अपॉन एल एक्स, और सेम ऐसे ही शाई वाई आएगा, ऐसे ही वाई जेड आएगा, शाई वाई जेड आएगा। तो सिर्फ क्या अंतर होगा, सफिक्स में यहाँ पे वाई और जेड हो जाएंगे, ये जेड हो जाएगा, यहाँ पे वाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन निकालेंगे। तो शाई एक्स वाई जेड जो है किसके बराबर था, शाई एक्स शाई वाई शाई जेड। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की शाई एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही शाई एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे शाई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हमें मिल जाएगा। तो कितना है ये, शाई इक्वल टू टू बाई एल टू पावर थ्री बाई टू, थ्री टाइम्स हो गया अंडर रूट टू बाई एल, है ना। तो थ्री बाय टू साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल साइन एन वाई पाई वाई अपॉन एल साइन एन जेड पाई जेड अपॉन एल। ऐसे ही इक्वेशन सिक्स में क्या करेंगे, के एक्स के वाई के जेड की वैल्यू पुट करेंगे जो कि एन की टर्म्स में आ रही है, और ये वैल्यू क्या करेंगे, के एक्स के वाई के जेड की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एट पाई स्क्वेयर एम एच स्क्वेयर ई इक्वल टू एन एक्स पाई अपॉन एल,
स्क्वेयर प्लस एन वाई पाई अपॉन एल स्क्वेयर प्लस एन जेड पाई अपॉन एल स्क्वेयर। फिर यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वेयर एट पाई एम एल स्क्वेयर एन एक्स स्क्वेयर प्लस एन वाई स्क्वेयर प्लस एन जेड स्क्वेयर। तो अगर आपको वन डायमेंशनल बॉक्स का फॉर्मूला याद हो एनर्जी आइगन फंक्शन का, तो सेम वैसे ही है, अंतर क्या है, सिर्फ इस टर्म का अंतर है। तो वन डायमेंशनल है तो एक टर्म आती है, टू डायमेंशनल है तो टू टर्म्स आएंगी, अब क्योंकि थ्री डायमेंशनल बॉक्स है तो ये थ्री टर्म्स आ जाती हैं इनकी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑल पॉसिबल एनर्जी दैट इज आइगन वैल्यूज। यहाँ पे हम ये लेक्चर एंड करते हैं। आइगन फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, आइगन एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया थ्री डायमेंशनल बॉक्स के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टनल इफेक्ट करेंगे और उसके अलावा श्रोडिंगर इक्वेशन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी सॉल्व करेंगे। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए। थैंक यू।